Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 3, chapter 3. The name of the chapter is The World of Animals, matlab janwaron ki duniya. One day John went to farm with his father. There were many animals there. He also saw a white rabbit and played with them a long time. एक बार क्या होता है, जॉन अपने पिता के साथ कहाँ जाता है, एक फार्म में जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारे जानवरों को देखा। उसने एक वाइट रैबिट को देखा और उसने उस वाइट रैबिट के साथ काफ़ी देर तक खेला। जॉन, डैडी दे आर सच लवली एनिमल, व्हाट आर दे कॉल्ड? जॉन पूछता है डैडी, ये कितने प्यारे जानवर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? Father, my dear, these small animals are called pet animals. They live in home or in the surrounding. जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे प्रिय, मेरे डियर, इनको ये जो छोटे जानवर हैं ये क्या कहलाते हैं? Pet animals कहलाते हैं। ये हमारे घरों में या हमारे इधर उधर हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। जॉन, डैडी, I can see some other animals too. They are big in shape and size. John कहता है डैडी, मैं दूसरे भी जानवर को देख रहा हूँ जो कि बड़े साइज और शेप में हैं। Father, yes, these big animals help us in many ways. They are called farm or domestic animals. Let us know more about these animals. फिर पिता बोलते हैं कि हाँ, ये बड़े जानवर हैं और ये हमारी बहुत सारी तरीक़ों से मदद कर सकती हैं या मदद में आती हैं। ये फार्म एनिमल्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। फोर फुटेड एनिमल्स, मतलब जिनके चार पैर होते हैं वो वाले जानवर। और ये किसके बारे में बता रहा है? बॉडी पार्ट्स के बारे में, इसीलिए यहाँ चार पैरों की बात कही गई है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फोर फीट सच एज काउ, गोट, डॉग, हॉर्स, बफेलो एक्सेट्रा, बट दे डिफर इन हॉर्न्स। सम हैव हॉर्न बट सम हैव नो नॉट, सच एज गोट हैज हॉर्न बट अ हॉर्स डज नॉट हैव हॉर्न। अब इसमें बता रहा है कि अधिकतर जितने जानवर होते हैं उनके चार पैर होते हैं, जैसे कि काउ, गोट, डॉग, हॉर्स, बफेलो और भी बहुत सारे। लेकिन इसमें बता रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक जानवर को दूसरे जानवर से अलग करते हैं, वो क्या है? उनकी सींग होती है। हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग। कुछ में सींग होती हैं और कुछ में सींग नहीं होती हैं। जैसे कि एक जो गोट होती है उसमें सींग होती है, लेकिन एक जो हॉर्स होता है उसमें सींग नहीं पाई जाती है। इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, दे हैव थ्री मेन बॉडी पार्ट्स, हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव वन पेयर ऑफ विंग्स, अ स्पाइडर हैज एट लेग्स। अब यहाँ बता रहा है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे जानवर होते हैं। इनके तीन मेन बॉडी पार्ट होती हैं, हेड होता है, चेस्ट होता है, एब्डोमेन होता है। इंसेक्ट में क्या होते हैं, या तो इनके पास एक पेयर के सॉरी इनके पास एक पेयर विंग होते हैं। अधिकतर जितने इंसेक्ट होते हैं वो उड़ने वाले होते हैं, तो इनके पास एक पेयर विंग्स होते हैं। और एक स्पाइडर जो होता है उसके आठ पैर होते हैं, उसके कोई विंग्स नहीं होती हैं, वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन उसके आठ पैर होते हैं। फुटलेस एनिमल्स, अब ऐसे एनिमल्स जिनके पैर नहीं होते हैं। There are some animals which have no legs at all. Snake and fish are the example of such animals. अब यहाँ कह रहा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, फिश हो गया, ये कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं जिसके पास पैर नहीं होता, वो क्या होते हैं? फुटलेस होते हैं। वेज ऑफ लिविंग, अब रहने के तरीके, मूवमेंट, ऑल फोर फुटेड animals move on their legs, but their ways of moving are different from each other, such as, अब यहाँ बता रहा है कि अधिकतर सारे जानवरों के चार पैर होते हैं और वो अपने वो चार पैरों से
मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है, मतलब ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो हर एक जानवर को एक दूसरे से अलग करता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला पॉइंट दिया है, द टाइगर्स एंड लायंस रन वेरी फास्ट, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड मसल्स। अब यहाँ बता रहा है, जो टाइगर और लायन होता है वो बहुत तेज भागता है या दौड़ता है, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग और उनकी मसल्स होती हैं। सेकंड है, एलिफेंट हैज़ वेरी थिक लेग सो इट कैन नॉट रन वेरी फास्ट। अब यहाँ बता रहा है, जो एलिफेंट होता है उसके पास बहुत मोटी पैरें होती हैं, इसकी जो पैर होता है वो बहुत मोटा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है। थर्ड है, और डियर हैज़ लॉन्ग सिलेंडर लेग्स, दे कैन रन वेरी फास्ट। अब यहाँ बता रहा है, जो डियर है उसके पास लंबी और सिलेंडर टाइप की क्या होती हैं, टांगे होती हैं, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। सेकेंड, अ स्क्वायरल कैन रन एंड जंप, एक स्क्वायरल गिलहरी मतलब जो होती है वो दौड़ भी सकती है और कूद भी सकती है। फिफ्थ, द टोटोडाइल्स मूव वेरी स्लो, जो टोटोडाइल होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। सिक्स, रैबिट कैन रन वेरी फास्ट, और जो रैबिट होता है वो काफ़ी तेज दौड़ सकता है। मूवमेंट ऑफ फुटलेस एनिमल्स, अब यहाँ बता रहा है कि जो फुटलेस एनिमल्स होते हैं जिनके पास पैर नहीं होता है वो कैसे मूवमेंट करते हैं। द स्नेक ट्रेवल्स ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्कल्स ऑन इट्स बॉडी। अब यहाँ बता रहा है कि जो स्नेक होता है उसके पास पैर तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करता है, वो जमीन में रेंगता है, किसकी हेल्प से, अपनी बॉडी में जो उसके स्कल्स होते हैं उसके सहारे वो जमीन पे रेंगता है। यहाँ पे अर्थवर्म के बारे में बताया गया है, द अर्थवर्म साइड स्लाइड विद द मूवमेंट ऑफ इट्स सेगमेंट्स। अब यहाँ कह रहा है, जो अर्थवर्म होता है वो भी अपनी बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं इसके, उसकी वजह से वो जमीन पे फिसलता है या रेंगता है। द फिश हैज फाइन सॉरी द फिश हैज फिन्स टू हेल्प देम स्विम, जो फिश होती है उनमें क्या होते हैं, फिन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो तैर सकती है इसमें, पानी में। द फ्रॉग हैज़ वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, और जो फ्रॉग होती हैं उनके पैर में वेब्ड मतलब जाले टाइप के उनके पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, काउस बफेलोस बुलॉक्स कैमल्स डियर गोट एक्सेट्रा ईट ग्रास, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ प्लांट, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड डियर फूड, दे हैव नो टीथ फॉर टियरिंग फूड, दे आर कॉल्ड हर्बिवोरस। अब यहाँ प्लांट सिटिंग एनिमल्स जो होते हैं, पहले तो उनको क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट सिटिंग एनिमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, काउ बफेलो बुलॉक्स कैमल डियर गोट और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि घास खाते हैं। इनके जो आगे के दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे कि वो प्लांट को आसानी से तोड़ कर खा सकते हैं, मतलब आसानी से तोड़ के खा सकते हैं। इनके जो इनके जो पीछे की दांत होते हैं वो चबाने के लिए काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कोई दांत नहीं होती जिससे कि वो किसी भी चीज़ को चीर कर उसे फाड़ कर खा सके। एलिफेंट्स हैव अ फ्यू बट लार्ज टीथ, दे हैव ग्रिंडिंग टीथ फॉर च्यूइंग लीव्स, द टू टंग्स आर रियली ओवरग्रोन टीथ, द लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ हेल्प इट टू रीच आउट टू हाई ब्रांचेस। अब यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से एक जो एलिफेंट होता है उनमें कुछ दांतें पाई जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दांतें नहीं होती, कुछ दांतें पाई जाती हैं, उनके पास ऐसी दांतें होती हैं जिससे कि वो पत्तियों को आसानी से चबा कर खा सकते हैं। उनकी जो आगे की जो दांत होती हैं वो हाँ दो दांत वो ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, लेकिन ये किसी काम की नहीं होती है, चबाने के लिए इनके पास नहीं होती हैं।
ये इनकी ओवर ग्रोथ दांत होते हैं। जो जिराफ होती है उनकी जो लंबी गर्दन होती है वो लंबी गर्दन उनको खाना या फिर ब्रांचेस को तोड़कर खाने में मदद करती हैं। कर्ड च्यूइंग एनिमल्स काउ एंड बफेलोज कट द ग्रास एंड स्वैलो इट व्हेन दे रिलैक्स दे ब्रिंग द स्वैलो फूड बैक इनटू देयर माउथ फ्रॉम द स्टमक एंड रुमिनेट वेल दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड दीज एनिमल्स आर कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। हम यहाँ बता रहा है कर्ड च्यूइंग एनिमल्स क्या होते हैं। वे एनिमल्स जैसे कि काउ बफेलो ये सब ऐसे हैं कि ये जब घास को मतलब ग्रास को खाते हैं तो ये गटक जाते हैं, लेकिन जब ये रिलैक्स मूड में होते हैं मतलब जब ये खा पी चुके होते हैं बैठते हैं तो ये क्या करते हैं अपने स्टमक से उस घास को वापस से अपने मुंह में लाते हैं और आराम से उसे चबाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं च्यूइंग द कर्ड, और जो एनिमल्स इसे करते हैं उनको क्या कहते हैं कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, मतलब खाना खाने के बाद वापस से अपने पेट से उन खाना को अपने मुंह में लाना। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब मांस खाने वाले एनिमल्स, सम फ्लैश ईटर लाइक टाइगर ईगल लायन किलर वेल एंड क्रोकोडाइल्स आर हंटर दे कैच kill and eat other animals. Some flesh eater like vulture and hyena do not like of hunt. अब यहाँ बता रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि flesh eater होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, जैसे कि tiger, eagle, lion, well जो killer well होता है वो, crocodile ये सब क्या होते हैं hunter होते हैं, ये अपने शिकार को hunt करके खाते हैं, ये क्या करते हैं एनिमल्स को कैच करते हैं उसे मारते हैं फिर खा जाते हैं। कुछ फ्लैश ईटर ऐसे भी होते हैं जो कि हंट नहीं करते हैं, जैसे वल्चर और हाइना, ये दोनों ऐसे होते हैं कि ये अपना शिकार खुद नहीं पकड़ते हैं। दे ईट द लेफ्ट ओवर एंड डेथ एनिमल्स ये क्या करते हैं जो मतलब कोई अगर शिकार करके खा लिया हो और जो छोड़ा हुआ पार्ट हो उस एनिमल का वो जाकर ये वाला पार्ट खाते हैं। दे हैव शार्प टीथ एंड शार्प क्लॉज इनके पास मतलब काफ़ी चोक दांतें होती हैं जिससे कि आराम से मांस को काट कर खा सकते हैं। विद दीज दे कैन होल्ड ऑन द एनिमल्स एंड टियर इट फ्रेश इससे क्या होता है कि वो अपने दांत से उस जानवर के मांस को पकड़ के आराम से फाड़ कर खा सकते हैं। Their back teeth are very strong which chew the bones and flesh उनकी जो पीछे की दांतें होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं जिससे कि वो उन जानवरों की हड्डियों को और उनके मांस को आसानी से चबा सकते हैं। स्नैक्स swallow their food holes they can swallow animal that are bigger than themselves flesh eating animals are also called carnivores। अब यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से जो स्नेक होता है वो अपने फूड को अपने होल में किस तरीके से गटक जाता है, वो चाहे उस सांप से उसके आकार में उससे बड़ा ही क्यों ना हो वो फिर भी उसको निगल जाता है। तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स अब ओमनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स सच टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस बियर एंड मैन आर कॉल्ड ओमनिवोरस दे यूज देयर शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग द प्लांट एंड लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फूड अरे यहाँ बता रहा है ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और फ्लैश मतलब मांस और प्लांट्स दोनों ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं ओमनिवोरस कहलाते हैं। जैसे बियर हो गया मैन हो गए मतलब हम मनुष्य हो गए हम दोनों चीज़ खाते हैं ना
हम मांस भी खाते हैं, हम हरी सब्जियां भी खाते हैं, मतलब हम सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो इसलिए हम भी क्या हैं, ओमनीवोरस हैं। इनके पास क्या होती है, इनके दांत जो हैं चोक होते हैं, मतलब शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं आगे के दांत, जो कि प्लांट्स को और ये फ्लैश दोनों को ही आराम से ये चबा कर और चीर फाड़ कर खा सकते हैं। एनिमल्स दैट न्यू, एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, रैट, रैबिट हैव अ पेयर ऑफ लार्ज एंड शार्प फ्रंट टीथ, दिस टीथ हेल्प इन बाइटिंग एंड द सीड्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, they gnaw their food so they are called gnawers or rodents। अब यहाँ बता रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन को कुतर के खाते हैं, मतलब छोटे छोटे पीस में जल्दी काट के खाते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया है, रैट है, स्क्वायरल है, इन सबको देखा है, ये इनके आगे के दो दांत होते हैं जो कि काफ़ी नुकीले होते हैं, ये अपने खाने को वो चाहे जितना छोटा हो या फिर बड़ा हो उसको हाथ में पकड़ के उसे छोटा छोटा टुकड़ों में काट कर ही उसे खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, न्यू एनिमल्स। नेक्स्ट है शकिंग एनिमल्स, मतलब चूसने वाले एनिमल्स, सम एनिमल्स सक लिक्विड फूड, द बेबीज ऑफ मैमल्स लाइक कैट, डॉग्स, पिग्स, काउस, बफेलोज, हॉर्स सक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स। तो इसमें क्या बता रहा है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना फूड लिक्विड वे में लेते हैं, जैसे जितने मैमल्स होते हैं उनकी बेबीज क्या करते हैं, वो अपनी माँ से दूध पीते हैं, तो इसलिए जैसे कि कैट, डॉग, पिग, काउ, बफेलोज, हॉर्स, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी मदर का मिल्क सक करके पीते हैं। The leech of the blood of animals, its mouth has sucked to stick the suck, stick and suck. Mosquitoes and butterflies do not have a mouth or teeth. They have a tube through which it sucks juice or flowers. Juices from flowers and fruits. These tubes are called proboscis. Mosquitoes pop the its proboscis it and suck blood from the skin of animals. अब इसमें बता रहा है कि जैसे लीच एक जोंक होता है जो कि क्या करता है, एनिमल्स की बॉडी से खून को चूस लेता है, और इनके क्या माउथ में, इनका माउथ ऐसा होता है कि ये चूसने की तरह ही इनका माउथ बना होता है, ये जा के किसी भी जानवर के शरीर में चिपक जाते हैं और उसके बाद उनके खून को चूसने लगते हैं। मॉस्किटो और बटरफ्लाई में माउथ, उनके माउथ में टीथ नहीं होता है, इनके माउथ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये जो बटरफ्लाई होती हैं वो फ्लावर्स का जूस चूस लेती हैं या फिर फ्रूट्स का, और इनकी जब ट्यूब होती है उन्हें प्रोबोसिस कहते हैं, मतलब कि सूंड जैसी आकार वो कहते हैं। जो मॉस्किटो होती हैं ये अपने प्रोबोसिस को क्या करती हैं, एक एनिमल की स्किन में घुसाती हैं फिर उसके बाद उनका ब्लड सक कर लेती हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग लिक लिक्विड फूड मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो लिक्विड फूड होते हैं उनको अपने टंग की हेल्प से चाटते हैं या फिर उसे चट कर जाते हैं। स्पाइडर मेक्स वेब एंड ट्रैप द फ्लाई एंड इट्स इट अप द अर्थ फ्रॉम फेड्स ऑन डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द सॉयल। अब यह बता रहा है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जाल की हेल्प से किसी भी फ्लाइज को ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं और क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं। अर्थवर्म क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स और या फिर प्लांट्स या फिर कोई भी वेस्ट चीज़ें होती हैं
जो कि सड़ने लायक होती हैं। तो वो जब सड़ जाती हैं तो अर्थवर्म्स उससे अपना खाना खाता है जो कि सॉइल में ही रहता है। होम्स ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स के घर। पीपल लिव इन हाउसेज, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, थीव्स, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन, दे ऑल्सो नीड सम प्लेस टू लिव। दे लिव इन शेल्टर्स विच मे बी मैन मेड और नेचुरल। अब यहाँ बता रहा है कि जैसे कि मनुष्यों को रहने के लिए हाउस की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग घर में ही तो रहते हैं। हमारा घर हमें किससे बचाता है? हमारा घर हमको रेन से, हॉट से, कोल्ड से, थीव से, वाइल्ड एनिमल्स से और भी बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी तो बचना चाहते हैं ना हर एक चीज़ से। ऐसा तो है नहीं कि वो शेर आ जाए सामने और सब आगे आ जाए कि भाई हमको खा लो, तो ऐसा है नहीं। उनको भी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वो भी अपने लिए घर बनाते हैं। कभी कभी वो अपना घर खुद से बना लेते हैं या फिर मैन मेड होता है कुछ, और कुछ नेचुरली होता है जो कि वो नेचर के द्वारा दिया होता है और वो वहाँ जाके रहने लगते हैं। तो इस चैप्टर में जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। विच वन इज करेक्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसके तीन ऑप्शंस हैं जिसमें से एक सही होगा जिसको आपको भी फिल करना है। ओके, अ गुड एंड अ हॉर्स हैव डैश फीट ईच, आंसर क्या होगा? फोर। सेकेंड, अ डियर हैज लॉन्ग सिलेंडर डैश, आंसर इज लेग्स। थर्ड, एलिफेंट्स हैव अ फ्यू बट लार्ज, आंसर इज थिक। बी, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी ये फर्स्ट में मैंने भरा नहीं है, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन आपको होमवर्क में ये सारे आंसर्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट है, स्नैक्स डैश देयर फूड एज अ होल, आंसर इज, मैं आपको आंसर बताती हूँ, स्वेलो। स्वेलो का आंसर स्पेलिंग क्या होगा? एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू। ओके, आपको फील करना है, फील कर लीजिएगा। नाउ सेकंड, द डैश सक्स द ब्लड ऑफ एनिमल्स, आंसर इज लीच, एल डबल ई सी एच। थर्ड, द डैश ईट्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, आंसर इज ओमनियोरस, ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस। फोर्थ, द डॉग लिव्स इन अ डैश, डॉग कहाँ रहता है? कैनल में रहता है, स्पेलिंग इज के ई डबल एन ए एल। नाउ फिफ्थ, एनिमल्स दैट नो देयर फूड आर कॉल्ड ग्नेवर्स, स्पेलिंग जी एन ए डब्ल्यू ई आर, ग्नेवर। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट, एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कलर, ट्रू। सेकेंड, अ काउ इज अ कर्ड चीविंग एनिमल, ट्रू। थर्ड, एनिमल्स कैन मेक देयर ओन फूड, फॉल्स। फोर्थ, बटरफ्लाइज च्यू देयर कर्ड, फॉल्स। फिफ्थ, डिफरेंट एनिमल्स हैव लीव इन सेम काइंड ऑफ शेल्टर, फॉल्स। नाउ योर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, आपको जितना भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर हैं वो सब आपको एज ए होमवर्क मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।